हम लोग, देवू ने मुझे बताया कि सीट के नीचे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। और देवू बोला ये मास्क पहनने की आदत मुझे अभी भी नहीं हुई है। घर से निकला, नीचे आया तभी याद आया कि मास्क पहनना है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बट नॉट टू वरी, अपन ने गाड़ी में पहले से मास्क रखा हुआ है यार। ये कल हल्की सी बारिश गिरी थी, गाड़ी तो एकदम इतनी गंदी हो गई है, चुम्बेश्वर गंदी। ये क्या है भाई, डियर बन गई गाड़ी। ये भगवान, यहाँ रहेगी ना मेरी गाड़ी तो डबल ट्रिपल रफ्तार में पुरानी हो जाएगी। भाई मैं पहुंच रहा हूँ, दो मिनट में। ऋषान ने तो इसको भी हैम्पर बना दिया। क्यों? अभी ऋषान को नहीं मिल रहा हूँ मैं, पहले सामान शानिस को देके आऊंगा। उसका 500 के हुआ है तो केक भी लिया, तो सामान देके फिर आके फिर ऋषान को मिलते हैं। ये देखो तो डाला ही नहीं है मैंने। एक बात बता, लोगों ने बहुत सवाल पूछे, तू सैनिटाइजर को फील क्या कर रहा था? Who feels the sanitizer? चलो भाई आगे शानिस के स्पेस के दर्श। What is this? तो शानिस ये जो केक है ये तेरा 500 केक के लिए, संभल के खोलना। Oh, thank you. और बाकी सब सामान तो अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है? बिकॉज अभी ट्रैफिक इतनी कम है, लोगों को ट्रैफिक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ जगह पर जैसे कि इन्फिनिटी के यहाँ पे मलाड में सिग्नल चालू है। जब मैं जा रहा था लोग इस तरह तेजी से बाइक वाले लोग क्रॉस कर रहे हैं जबकि मेरा ग्रीन और लोगों रेड है, क्योंकि उन लोगों को इतनी कम ट्रैफिक की आदत ही नहीं है, सीधा जा रहे हैं। और इसके लिए आपने नोटिस भी किया होगा काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो अगर आई होप ये लोग जरा संभल के रोड क्रॉस करें। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सुरन भाजी भी अपना मन बना रहे हैं GSA लेने के लिए। मैंने उनको बोला मेरी GSA ले लो, लेकिन उनको चाहिए थी हैप्पी भाई की GSA, क्योंकि हम सोच रहे छोटा राइड करें मुंबई में, तो वो हैप्पी भाई की GSA चलाएंगे। लेकिन अभी दुविधा ये हो गई है कि हैप्पी भाई की GSA काफ़ी टाइम से निकली नहीं है, तो इनकी बैटरी हो गई है ठुस। तो मैं लाया हूँ अपना चार्जर, उसे चार्ज करेंगे। और बाय द वे हैप्पी भाई वही है जिन्होंने देवू के साथ बाइक ली थी घूमने के लिए। ओह हाँ, छोला में। और अपन लद्दाख मारे थे और हैप्पी भाई ने मेरी बहुत मदद की थी ऊपर। बाइक में मारे थे लद्दाख, यही बाइक थी, सोनमार्ग के ऊपर लेके ड्रोन उड़ाया था। ये कलर मुझे बहुत पसंद है यार, ब्यूटीफुल मशीन भी रेड लेता है। ये ओरिजिनल बीएम के पैनियर्स है, तभी बीएम ऑफिशियली अवेलेबल ही नहीं थी कंट्री में। हाँ ये बाहर वाली है, जर्मन वाली है। मैं कल रात को वीडियो देख रहा था इसका। हाँ। इसको कैसे खोलने का? नहीं देबू को आता है ना वो, है ना इसमें टूल किट रहेगा। टूल किट नहीं है इसमें, है टूल किट है, उन्होंने दिखाया था मेरे को, अभी याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है। तो अभी इधर जाता है, लेफ्ट घुमाओगे तो आगे का सीट खुलेगा, राइट घुमाओगे तो पीछे का सीट खुलेगा। टूल किट का है, टूल किट देबू ने कहाँ बताया था मेरे को, देबू को पूछते हैं। यहाँ देख रहे, यहाँ देख रहे। और देबू बोला ये, ये, ये इधर ये BMW छुपा कर रखता है सफेद उधर। हाँ, उसका स्क्रू ड्राइवर में सब कुछ हो जाएगा। हम जैसे लोग बाइक ले लेते कुछ नहीं आता। मैकेनिक लोग लेना चाहिए। भाई देखो अभी जुनैद का फोन आया, उसको पास मिल गया। हाँ अभी जस्ट अभी आया, तो जुनैद भाई को पास मिल गया। ही इज लिविंग फ्रॉम शिलोंग ना, शिलोंग से निकल। ये चार्ज कर लिया बिकॉज इतने सालों से नहीं खुला है, तो स्क्रू भी जैम हो गया है। अभी वही ओल्ड मैकेनिक टेक्निक कि हल्का सा लो, हल्का सा मारो, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है। अगर अपने पास मोटराइज स्क्रू ड्राइवर रहता तो खुल जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैम है। देखो हाथ देखो कैसे हो गया। अभी जुनैद ही होता तो खोल पाता, बिकॉज उसी में इतनी ताकत है खोल सके। दिमाग चाहिए, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो स्क्रू फिर हो गया उसका, वो ग्रिप टूट जाएगा। WD-40 भी मारा, सब मारा। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, उसका वो ग्रिप जा रहा है, तो अभी ज्यादा नहीं करते वरना मालूम पड़ा फिर इसको तोड़ना ही पड़ेगा। फिर बाद में कंपनी लंबा बिल बनाएगा, लोग वैसे भी बकरे चाहिए कंपनी को। ये सही बोला भाई, इतने टाइम से कोई आया नहीं है, अब लोग बड़ा बड़ा बकरा मारेंगे। फिलहाल तो सोरन तो करना पड़ेगा, फिलहाल तो सोरन बाजी को बकरा बना रहे हैं न्यू बाइक के लिए, और आगे नहीं बोलूंगा मैं। एक्चुअली नवी बाइक में इतना मार्जिन नहीं होता जितना रिपेयर्स में होता है। तो भी हैप्पी बाइक की बाइक तो चालू नहीं हुई, लेकिन फिर भी सोरन बाजी को हार नहीं माननी है, वो आ रहे हैं। तब तक हम जिशान के शॉप पे चले जाते हैं, थोड़ा उनसे मिल लेते। अब्दुल भाई उधर आ गए हैं, पसीने छुटवा दिए यार, मजा आ गया। हैप्पी भाई की बाइक देख के पूरी मेमोरी जो है ताज़ा हो गई। वसीम सीट बेल्ट, टाइगर दिखी मुझे, मतलब अंदर अब्दुल भाई भी है। प्रोडक्ट खराब निकला, क्या बात कर रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ, टाइगर टाइगर है, हाथ नहीं मिलाने का। नहीं ये काम करेगा भाई, वो तुम्हारे लिए ही हो, इससे एब्स नहीं बनते लगे। ए ऋषान, इससे एब्स बनते हैं। अरे भाई ये पेट के बाल निकाल के लिए, निकालने के लिए। तू ऐसे ही निकाल देना। अबे तू तो ऐसा बोल रहा है, हमको मालूम नहीं, मजाक कर रहे हैं। सीरियसली बोलूं तो मेरे पास है यहाँ एक क्रीम, एब्स बना है। ये लगा के तो फोटो शूट किया था भाई मैंने।
दुकान को फ्रिज नहीं समझते नहीं, नहीं समझते है भाई। भाई वही बोलता है जाओ फ्रिज तुम्हारा है। नहीं भाई कभी कभी तो आते हैं यार तुम लोग थोड़ी रोज आते। कलीम ने सीरियसली ले लेता फ्रिज ही लेके जाता। तो अब्दुल भाई की वाइफ ने एक जिद पकड़ी और उससे क्या हुआ अब्दुल भाई? वेलकम टू द क्लब। अब्दुल भाई कुछ बोल नहीं रहे, बोला मैं नहीं बोलूंगा घर में धंडे पड़ेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। ये ट्रेंड ने बहुत लोग के बाल खराब किया, हम बचे हुए। अब्दुल भाई बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा घर में अलग धंडे पड़ेंगे। अच्छा बाल बड़ा हो गए, हम शिकार हो गए ट्रेंड में। गरीब लॉकडाउन 5.0 शुड आई से ओपन अप 1.0 अनाउंस कर दिया गया है और बहुत फ्रीडम मिलने वाली है। कंटेनमेंट जोन में अभी भी स्ट्रिक्ट है और मेरा पवई कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है। तो मुंबई गज के लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली सुनने वाले पर डिपेंड करता है, कोई बोलेंगे बहुत गुड न्यूज़ है, कोई बोलेंगे अच्छी न्यूज़ नहीं है बिकॉज लोग बाहर आएंगे और कोविड फिर से फैल सकता है। वॉट एवर इट इज, अभी हमको ध्यान देना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क हमेशा पहन के जाना है। बेसिकली आत्मनिर्भर रहो, आत्मनिर्भर रहना है। मोदी जी ने पहले ही बोल दिए थे अब इंप्लीमेंट करने का। हम यूट्यूबर्स तो पहले से आत्मनिर्भर। व्हाटएवर इट्स गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग व्हाटएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और नए पसंद आया डिसलाइक बटन दबाओ। दोनों में एंगेजमेंट होती है। विद दिस एंड एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट, आवर लवली फ्रेंड्स। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। मुझे पता है काफी धूल मिट्टी दिख रही है आपको, लेकिन अभी नहाने का प्लान है, नहाने वाले हैं। अभी वीडियो एडिट करने के बाद वर्कआउट वर्कआउट हो गया। आज मेरा टांग बहुत दुख रही, कल लेग मारा था और एक्चुअली एक और प्लान था। मुझे पता है ब्लॉग थोड़ा छोटा बन गया है, बट ये टाइम बर्दाश्त कर लो, अभी आने वाले दिनों में बड़े बड़े ब्लॉग बनेंगे बिकॉज लॉकडाउन 5.0। तो हम डी मार्ट चक्कर लेने आए, 5 किलो लेने हैं। डालो लोहा डालो, ओम भूर बसवा। अपन कितने ईमानदार है देखो, सच्चे ईमानदार कस्टमर।